नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F05 versus Poco M6 Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F05 में 6.65 इंच जबकि M6 Plus में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो F05 में 3.08 इंच जबकि M6 Plus में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि F05 से कम है। बात करें थिकनेस की तो F05 में 0.35 इंच जबकि M6 Plus में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F05 में 195 ग्राम जबकि M6 Plus में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि F05 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F05 में PLS LCD जबकि M6 Plus में LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F05 में 6.7 इंचेस जबकि M6 Plus में 6.79 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F05 में 720x1600px HD+ और M6 Plus में 1080x2460px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F05 में 82.1% जबकि M6 Plus में 85.26% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F05 में 262 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M6 Plus में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F05 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और M6 Plus की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F05 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M6 Plus की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F05 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और M6 Plus में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F05 में Mali-G52 Megacoulomb 2 जबकि M6 Plus में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F05 में MediaTek Helio G85 और M6 Plus में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Accelerated Edition मिलता है। बात करें RAM की तो F05 में 4GB की RAM मिलती है जबकि M6 Plus में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F05 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि M6 Plus में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी F05 में 5000mAh जबकि M6 Plus में 5030mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F05 में 1 कलर्स जबकि M6 Plus में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F05 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 799 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M6 प्लस की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8799 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 10999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी F05 में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको M6 प्लस 5G की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M6 प्लस आगे है, मेन कैमरा में M6 प्लस आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M6 प्लस आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो के 12X 5G है, दूसरा रियलमी नाजो N65 5G है, तीसरा शाओमी रेडमी 13 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y28S 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।